अस्सलाम वालेकुम जी थर्टी वालों, कैसे हैं आप लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे और अपना रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीकली न्यूज़ की पहली एपिसोड है और ऑटो न्यूज़ की बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी ने अपनी नई गाड़ी लॉन्च कर दी है जो कि अवेंटाडोर की रिप्लेसमेंट है, और उसके अलावा ह्यूंडई ने अपनी नई सोनाटा को लॉन्च कर दिया है, और जो टोयोटा है वो अपनी कैमरी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके अलावा किया ने अपनी EV9 को लॉन्च कर दिया जो कि फुल साइज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और उसके अलावा जो काफ़ी सारी गाड़ियां हैं पाकिस्तान के ऑटो मार्केट के अंदर उन्होंने अपना जो प्राइस टैग है 1 करोड़ से क्रॉस कर लिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे, और अगर आपने अभी तक व्हील अथॉरिटी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। ओके, तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है लैम्बोर्गिनी की तरफ से। अभी उनकी अवेंटाडोर चल रही थी, 2011 में उन्होंने लॉन्च की थी, सारे लोग उस गाड़ी से वाकिफ़ हैं, और अभी 2022 के सितंबर में उन्होंने उसकी जो प्रोडक्शन थी वो रोक दी थी क्योंकि उन्होंने इसकी रिप्लेसमेंट करनी थी। 11 साल से ज़्यादा हो चुके थे, और इसकी न्यूज़ हमने अपने इंस्टाग्राम पर भी दी थी। अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका यूज़र नेम है, आप उस यूज़र नेम को फॉलो करते हुए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अब जो अवेंटाडोर है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी और लैम्बोर्गिनी ने अपनी नई गाड़ी रेवोल्टो को लॉन्च कर दी है, लेकिन उसकी अभी उन्होंने सेल्स शुरू नहीं की, अभी उसकी प्राइस का किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसकी गाड़ी की जो स्पेक्स हैं वो उन्होंने बता दी हैं। इस गाड़ी के अंदर सेम वही अवेंटाडोर वाला V12 इंजन है जिसको उन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया है, अच्छा ट्यून किया है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड भी है। अब ये लैम्बोर्गिनी की तरफ से पहली हाइब्रिड गाड़ी है, और प्लग इन हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि आप इस गाड़ी को अपने सॉकेट में प्लग करके चार्ज भी कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, 1 V12 इंजन है, और 2 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो दोनों फ्रंट टायर्स के साथ हैं, और 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पिछले डिफरेंशियल के साथ है। अब 3 मोटर्स हैं, V12 इंजन है, तो ये सारी कंबाइंड जो पावर मिलके बनती है वो 1000 हॉर्स पावर से भी ज़्यादा बनती है। जो फिगर्स उन्होंने बताया उसके मुताबिक ये 1001 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब ये पहली लैम्बोर्गिनी है जिसने 1000 की जो बाउंड्री है हॉर्स पावर की उसको क्रॉस किया है, और ये स्टॉक सबसे पावरफुल लैम्बोर्गिनी है। उसके साथ साथ इसकी जो गैस माइलेज आएगी वो भी काफ़ी बेहतर आएगी। जो लोग लैम्बोर्गिनी लेते हैं उनको मतलब पेट्रोल के खर्चे से कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल इसकी जो एवरेज है वो थोड़ी सी बेहतर आएगी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ह्यूंडई की तरफ से। ह्यूंडई ने नई सोनाटा को लॉन्च कर दी है, लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये ह्यूंडई सोनाटा की नेक्स्ट जनरेशन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो पुरानी जनरेशन 8 जनरेशन है वो पाकिस्तान में भी चल रही है, उन्होंने इसी को फेसलिफ्ट करके लॉन्च किया है। अब ग्लोबली उन्होंने कोरिया के अंदर तो एटलीस्ट उन्होंने इस गाड़ी को बंद कर दिया था क्योंकि ये बिक नहीं रही थी, इसके अंदर काफ़ी सारे मसले थे, इसके फ्यूल पंप का मसला था। पाकिस्तान में धड़ाधड़ बिक रही है, पाकिस्तानियों को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोरिया चूँकि बाहर के कंट्रीज़ में लोगों को अक्ल होती है, गाड़ी में कोई मसला आता है या गाड़ी अच्छी नहीं होती उसको नहीं लेते, और कंपनी को गाड़ी को दोबारा से सही करके या नया मॉडल लॉन्च करना पड़ता है। अब पाकिस्तान में ये नई फेसलिफ्ट जो है वो आएगी या नहीं आएगी उसका तो नहीं हम कुछ कह सकते, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान में फेसलिफ्ट को लॉन्च करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो पुरानी गाड़ी चल रही है वो बहुत अच्छी सेल हो रही है उसकी। लेकिन आई थिंक कि 2023 के अंदर ही ह्यूंडई को पाकिस्तान के अंदर भी इस नई सोनाटा को लॉन्च करना चाहिए, उनकी सेल्स और बेहतर हो सकती हैं। जो ह्यूंडई सोनाटा का फेसलिफ्ट आया है वो इस तरह पाकिस्तानी क्रोला या सिविक जैसा फेसलिफ्ट नहीं है, इसमें उन्होंने हर चीज़ को दोबारा से रीडिज़ाइन किया है। स्वाय बॉडी के फ्रंट से बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया है, रेयर से भी उन्होंने लाइट्स को चेंज कर दिया, इंटीरियर तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया ना। और जो इसका इंजन है वो अभी ह्यूंडई ने नहीं बताया कि वो नया इंजन इसमें डालेंगे या वही इंजन होगा, जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक इस गाड़ी के अंदर वही पुराना ह्यूंडई सोनाटा का जो 2 लीटर का और 2.5 लीटर का इंजन आता है वही आएगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। फेसबुक वगैरह पे कुछ दिनों से वायरल हो रही थी कि जो टोयोटा है वो अपनी कैमरी को बंद कर रहे हैं, ये गलत न्यूज़ है। टोयोटा अपनी कैमरी को बंद नहीं कर रहे, टोयोटा कैमरी को सिर्फ जापान में बंद कर रहे हैं। USA में या बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे जो कैमरी चल रही है वो आती रहेगी, जापान में वो क्यों बंद कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि 2022 के अंदर इन्होंने 6 लाख टोयोटा कैमरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेल की हैं, जिसमें से सिर्फ 6000 गाड़ियां उन्होंने जापान में सेल की। तो जापान में इसकी प्रोडक्शन हो रही है लेकिन सिर्फ 6000 गाड़ियां उन्होंने पूरे साल के अंदर बेची हैं। बीइंग देयर फेमस कार, ये एक इंसल्ट भी है कि उनके अपने कंट्री में 6000 गाड़ियां बिकी हैं सिर्फ, तो वो इस गाड़ी को मज़ीद प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे जापान के अंदर। जापान के अंदर ये बंद हो रही है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर ये चल रही है, US में बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं इसकी, इंडोनेशिया वगैरह, दुबई वगैरह में बहुत सेल्स होती हैं कैमरी की, वहाँ पर ये गाड़ी चलती रहेगी
और होपफुली 2024 में हमें इसकी नई शेप भी देखने को मिलेगी। और जापान में इस ईयर के एंड से टोयोटा कैमरी को बंद किया जा रहा है। अब जो पाकिस्तान के अंदर टोयोटा कैमरी आती थी वो जापान से ही इम्पोर्ट होती थी। अब आई डोंट नो कि ये पाकिस्तान में भी बंद कर देंगे या पाकिस्तान में किसी और कंट्री से मंगवाने लग जाएंगे, लेकिन क्या मंगवाना है, इन्होंने पाकिस्तान में तो कैमरी बिकती नहीं है टोयोटा की। इन्होंने लास्ट ईयर बेची भी होंगी तो 3-4 गाड़ियाँ बेची होंगी। बाकी जो भी गाड़ी आपको टोयोटा कैमरी रोड पे नज़र आती है वो किसी प्राइवेट इंपोर्टर ने या शोरूम वाले ने मंगवाई होती है। टोयोटा की तरफ से कोई कैमरी नहीं बिकती पाकिस्तान में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है किया की तरफ से। किया ने अपनी EV9 को लॉन्च कर दिया है। अब EV9 जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये लार्ज SUV है, यानी कि जो हमारी टोयोटा प्राडो या फॉर्च्यूनर वगैरह है उसके साइज़ की ये गाड़ी है, लेकिन इलेक्ट्रिक है। बड़ा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है इसका। इन्होंने 2021 में इसका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट था, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। पता नहीं लोग कह रहे थे कि इस तरह की गाड़ी तो नहीं बनाने लगी है जल्द अज जल्द, 2030-2040 में जाके इस तरह की फ्यूचरिस्टिक गाड़ी आएगी। लेकिन किया ने अभी 2023 के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया है। उन्होंने ज़्यादा स्पेक्स नहीं बताई क्योंकि अभी सेल पर नहीं गई, अभी कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर वो मार्केट के अंदर भी ले आएंगे। लेकिन उन्होंने किया EV9 को लॉन्च कर दिया है। अभी तक इसकी जो न्यूज़ हमारे तक पहुंची है उसके मुताबिक इसके अंदर अराउंड 400 फिगर के अंडर है हॉर्स पावर। टॉर्क फिगर्स अभी नहीं इन्होंने बताए और कितनी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं इसके अंदर वो भी नहीं बताई। इसकी जो रेंज है वो भी तकरीबन 350 के करीब है, 350 किलोमीटर के करीब। उसके अलावा एज सच कोई न्यूज़ खास है नहीं इस वीक की। एक जो बड़ी सैड न्यूज़ है इस वीक की वो ये है कि बहुत सारी जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उन्होंने अपना 1 करोड़ का जो प्राइस टैग वो क्रॉस कर ली। चेरी टीगो 8 प्रो बड़ी अच्छी गाड़ी है, एक परफेक्ट SUV है हर लिहाज से। 7-सीटर भी है, स्पेस भी अच्छी है, क्वालिटी भी ठीक है, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, परफेक्ट सी एक चीज़ है, और वो भी 1 करोड़ से महंगी हो गई है। अभी रिसेंटली होंडा सिविक ने 1 करोड़ का प्राइस टैग क्रॉस किया था। उसके अलावा बड़ी सारी और गाड़ियां हैं, बाइक है, चंगान है, वो सब ने 1 करोड़ का प्राइस टैग क्रॉस कर लिया है। जो हम गाड़ियां 50-60 लाख की देखा करते थे 1 करोड़ से ऊपर की मिलेंगी। तो अथॉरिटी वालों ये थी आज की वीकली न्यूज़, और वीकली न्यूज़ हर वीक आया करेगी, फ्राइडे को या सैटरडे को। अभी मेरा डे सेट नहीं हो रहा, शायद प्रोबेबली फ्राइडे को आया करेगी। और इसके अलावा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, या कोई सजेशन देना चाहते हैं, या कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हील अथॉरिटी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से जाएँ, काइंडली फॉलो करें और हम आपस में कनेक्ट होंगे और एक अच्छी सी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने दिल के लोगों का भी ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।